वेल, आपने कई सारे खौफनाक कीड़ों के बारे में तो सुना ही होगा, लाइक जायंट जापानीज हॉर्नेट, बुलेट एंट्स, फायर एंट्स एक्सेट्रा। हट SB-439 के सामने ये सब इंसेक्ट्स पानी कम चाय लगते हैं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। हाँ, इमरान भाई ने सही बोला, घबराओ मत बल्कि चिल आउट एंड एंजॉय। आइटम SCP-439, ऑब्जेक्ट क्लास यूक्लिड, सितंबर 25th, ईयर अननोन। चाइना के एक गांव में कई सारे विजिटर्स बाहर से घूमने के लिए आए। असल में उस गांव में एक जंगल था और वो जंगल ही इतने सारे विजिटर्स को अपने ओर अट्रैक्ट करता था, और वो इसलिए क्योंकि उस जंगल में कई सारे तरह के रेयर क्रिएचर्स पाए जाते थे। बट यार, लोकल पुलिस को कुछ लोगों ने कंप्लेन किया कि उनके रिलेटिव्स उस जंगल के अंदर गए तो थे पर वापस नहीं लौटे। पर अनफॉर्चुनेटली पुलिस भी इस केस को सॉल्व नहीं कर पाया। लोग जाते तो थे जंगल के अंदर पर जैसे हवा में गायब हो जाते थे। गांव के मुखिया ने सोचा अगर ऐसा ही चलता रहा तो फ्यूचर में विलेज में कोई भी विजिटर नहीं आने वाला। इसके चलते वो अकेले ही उस जंगल के अंदर चले गए। काफी अंधेरा हो गया था, सूरज भी धीरे धीरे गायब हो रहा था। अचानक उसने देखा कि पेड़ों के बीच में अजीब से कुछ गोलाकार चीजें रखा हुआ है जिनका हाइट करीब 3 फीट होगा। मुखिया उनमें से एक को टच करने ही वाला था, सडनली उसको एहसास हुआ कि उसके गाल में कुछ है जो कि उसके मुंह के तरफ आ रहा है। उसने उस चीज को पकड़ लिया एंड देखा कि ये तो एक नॉर्मल कीड़ा है। देन अचानक वो कीड़ा उसको काट लेता है एंड वो उसको फेंक देता है। बट यार, ये कीड़ा कोई नॉर्मल कीड़ा नहीं था, ये था SCP-439 द बोन हाइव। और वो जो गोलाकार चीजें थे ना, वो असल में मरे हुए इंसान थे। हम गधे? नहीं यार, मजाक नहीं, जेन्युइनली इन इंसानों को वही छोटे से कीड़े ने मार डाला। वेल, SCP-439 एक कीड़ा है जिसका साइज अप्रोक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर है। इसका अपीयरेंस फॉर्फिक्यूला ऑरिकुलेरिया जैसा है या फिर कॉमन ईयरविक जैसा है, लेकिन ये कीड़ा इतना दर्दनाक मौत देता है ना, इसे शायद आप सुन भी ना पाओ। एसपी फाउंडेशन को इस इंसेक्ट का सिर्फ एक ही स्पेसिमेन मिला था, चाइना के एक घने जंगल के अंदर से। इस क्रिएचर का रिप्रोडक्शन का तरीका ही है जो इसे इंसानों के लिए खतरनाक बना देता है। फाउंडेशन के मुताबिक जब कोई इंसान गहरी नींद में होता है तब ये कीड़ा उसके मुंह के अंदर घुस जाता है। अब ये चीज अननोन है कि आखिर कैसे ये कीड़ा पता लगाता है कि उसका शिकार सो गया। जब तक होश नहीं सो जाता तब तक SCP-439 एक अंधेरे जगह पे इंतजार करता है एंड होस्ट के सोते ही SCP-439 होस्ट के मुंह में घुस जाता है एंड लंग्स के एक पार्ट में जाके बैठ जाता है। 8 घंटे के अंदर फर्स्ट साइन विजिबल हो जाता है, यानी होस्ट को जोर का चेस्ट पेन होने लगता है। 9 घंटे के बाद उसके पेट में भी जोर का दर्द होना शुरू हो जाता है। 12 घंटे के अंदर होस्ट को जोर का बुखार चढ़ जाता है एंड वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाता। डॉक्टर साहब, मुझे बवासीर है पर ऑपरेशन से डरता हूँ। बवासीर नहीं यार, SCP-439 उसके होस्ट के अंदर फिब्रोडिस्प्लेसिया ऑसिफिकस प्रोग्रेसिविया नाम की एक जेनेटिक डिजीज को ट्रिगर करता है। इस डिजीज में मसल टिश्यूज हड्डियों में कन्वर्ट हो जाता है और नए हड्डियों के बनने के इस प्रोसेस में इतना दर्द होता है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। होस्ट के बोन्स बाहर से भी विजिबल होने लगते हैं। इस प्रोसेस के दौरान होस्ट एक अंधेरे कमरे में जाके बैठ जाता है या फिर अलमारी या कैबिनेट के अंदर। 3 दिन के अंदर होस्ट फाइनल स्टेज में चला जाता है जिसे बोन हाइव भी कहा जाता है। इस फेज में उस इंसान का स्केलेटल सिस्टम ही चेंज हो जाता है जब तक उसका बॉडी एक गोल शेप में नहीं आ जाता। फाइनल स्टेज तक आते आते क्वीन SCP-439 जो होस्ट के मुंह के अंदर घुसी थी वो 30,000 तक बच्चे पैदा कर लेती है जिनमें वर्कर्स, ड्रोन्स, वॉरियर्स सब मौजूद होते हैं। इस कॉलोनी के अंदर क्वीन ही बस एक ऐसी इंसेक्ट होती है जो रिप्रोड्यूस कर पाती है। होस्ट के कुछ ही ऑर्गेन्स को खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बाकी के ऑर्गेन्स को एक इंक्यूबेशन चेम्बर बना दिया जाता है। वॉरियर SCP-439 होस्ट के बॉडी से मीट को कलेक्ट करता है एंड देन होस्ट के ही डाइजेस्टिव सिस्टम में उस मीट को प्रोसेस किया जाता है ताकि पूरा कॉलोनी उसको खा सके। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही मौज करके खाते हैं। 4 से 6 महीने बाद एक नया क्वीन जन्म लेती है और वो किसी एक ड्रोन के साथ ही मेटिंग करती है एंड देन उसके बाद कॉलोनी डिस्ट्रॉय हो जाता है। ज्यादातर SCP-439 कॉलोनी के डिस्ट्रॉय होने के बाद ही मर जाते हैं क्योंकि ड्रोन और वर्कर SCP-439 कॉलोनी के बाहर सर्वाइव नहीं कर पाते। वॉरियर्स बाहर चले जाते हैं पर बाहर का खाना नहीं खाते क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ इंसानी मीट चाहिए। नई क्वीन भी उस कॉलोनी को छोड़ के चली जाती है अपने नए होस्ट के तलाश में। मैजिकली इस प्रोसेस के दौरान उस इंसान का कोई भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी बंद नहीं होता
फाउंडेशन के एक लीडिंग फीमेल डॉक्टर ने जब एक होस्ट का ऑटोप्सी करा तब उसने देखा कि ब्रेन के कुछ ही पार्ट्स को खाया गया है पर बाकी के पार्ट्स को इंटैक्ट रखा गया है क्योंकि होस्ट के कुछ बायोलॉजिकल फंक्शंस कॉलोनी के लिए ज़रूरी है। जनरली होस्ट के दोनों आँखों को फूड के लिए इस्तेमाल किया जाता है बट ऑटोप्सी के दौरान उस फीमेल डॉक्टर ने देखा कि इस होस्ट का आई इंटैक्ट है और लाइट को दिखाने पर लाइट बीम के साथ साथ मूव हो रहा है। SCP-439 के ऊपर फर्दर कोई भी रिसर्च नहीं किया गया। करेंटली एक SCP-439 को आर्म रिसर्च साइट 45 में कंटेन किया गया है। इस इंसेक्ट को सील्ड 38 लीटर टाइप जी कंटेनमेंट यूनिट में रखा गया है। इस कंटेनर को एक ऑक्सीजन पाइप से कनेक्ट किया गया है और SCP-439 को 16A फीडिंग ट्यूब से खाना दिया जाता है। SCP-439 को एक सेप नाम का एक न्यूट्रिटिव सब्सटेंस खिलाया जाता है और इसका देखभाल करने के लिए सिर्फ लेवल 2 पर्सनल या फिर उससे ज़्यादा रैंक के ऑफिसर्स को परमिशन दिया गया है। सो कैसे लगा ये वीडियो? अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा।